हेलो बैटल ग्राउंड, इट्स मी गौरव फ्रॉम द हिल्स ऑफ नैनीताल। 6 क्वेश्चन मुझे दिए गए हैं एमटीवी रोडीज बैटल ग्राउंड की कम्युनिटी से, तो मैंने आज उनके आंसर देने हैं। आज फाइनल टास्क है हम लोगों का कम्युनिटी के अंदर। मेरा पहला टास्क है कि मैं कितना हरामी हूँ। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं कितना हरामी हूँ। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ अपने बारे में जो पहले कभी हुई थी मेरे साथ, आज से 3 साल पहले। तो उसमें मेरी कुछ हरामी पंक्तियाँ झलकती हैं। मैं एक बार मार्केट गया था तो वहाँ एक ऑटो वाला खड़ा था। मैंने उसको हाथ दिया, मैंने कहा कि चल यार मेरे को जाना है। तो उसने कहा बैठो बैठो, उसमें सवारियाँ नहीं थी। तो उसने मेरे को अपनी जस्ट बगल वाली सीट में बैठा दिया, आगे वाली सीट पे। इतने में क्या हुआ, वो चले गया पान वाली की दुकान सिगरेट लेने गया। तो मुझसे बोला करके कि भैया प्लीज यार थोड़ा ब्रेक में पावर रख के दबा दो, इसे गाड़ी पीछे को जा रही है। मैंने चल ठीक है यार भाई तेरी, मैंने ब्रेक दबा दिए गाड़ी के। उसके बाद क्या कहते हैं, इतनी देर में क्या होता है, उसने इतने कंजेस्टेड एरिया में खड़ी करी थी गाड़ी कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया और उसने आते ही मेरे डंडा मार दिया। सोचा कि मैं ड्राइवर हूँ। तो उस वक्त मैं एकदम शॉक्ड हो गया और मेरे इतनी तेज स्पीड में लगा कि पूछो मत, मुझे बहुत दर्द हुआ। कोई नहीं, फिर उसके बाद जब उसने कहा चल चल भाई थाने चल थाने, मैंने कहा चल यार, मैंने कहा तूने डंडा तो मार ही दिया। मैं उस वक्त कुछ नहीं बोला, मेरे इतना दिमाग में मतलब इतना भयंकर क्रोध था कि पूछो मत। तो मैंने कहा चल बैठ यार बैठ। मैं गाड़ी गियर में थी, स्टार्ट थी गाड़ी, मैंने डाली गियर में गाड़ी और आगे को बढ़ाई। एक स्टेडियम की गली के अंदर मैं घुसा, वहां मैंने जो उसका फुटबॉल बनाया ना सही तरीके से, खूब मारा मैंने उसे। फिर अगले दिन पेपर में ये भी आया करके कि उसके पट्टी वट्टी लगी हुई थी। तो उसने बोला करके कहते हैं एक नीचे से कि बहुत बेरहमी से एक टेम्पो चालक ने एक पुलिस वाले को मारा। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि गेम में सर्वाइव करने के लिए आपको फेक फ्रेंडशिप करना जरूरी है? हाँ, फेक फ्रेंडशिप करना जरूरी है गेम में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन फिर भी उनसे दोस्ती करनी पड़ती है कि कहीं वो गेम में आपके खिलाफ ना हो जाएं। और अगर खिलाफ हो गए तो समझ लीजिए आप गेम में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था कि आपने कभी अपने घर वालों को पैसों को लेकर चीट किया है? तो हाँ, मैं आपको एक बार की बात बताता हूँ। जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था तो मैंने अपनी मम्मी से उस दिन झूठ बोला कि मम्मी हमारे स्कूल में फेयरवेल है तो 3,000 रुपये प्रिंसिपल ने पर हेड 12th क्लास के बच्चों को बोले। तो मेरी मम्मी ने मेरे को 3,000 रुपये दे दिए। मेरे को 3,000 रुपये फेयरवेल तो थी नहीं मेरे स्कूल में, लेकिन मैंने अपने पॉकेट में रख लिया। और मेरा चौथा क्वेश्चन ये है कि आप के विचार होमोसेक्सुअल को लेकर क्या विचार है और क्या आप उनसे दोस्ती करना चाहेंगे? मैं होमो फ्रेंड्स दोस्तों को एक्सेप्ट कर लूंगा और ना ही उसकी दोस्ती करने से मेरे को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यार वो नॉर्मल है और ये उसके हाथ में नहीं है यार जो वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन चूज कर सके। और मेरा पांचवा क्वेश्चन है कि मुझ में क्या खूबियां हैं और क्या मेरी वीकनेस पॉइंट है। तो खूबियां मैं बताना चाहूँ, अगर मुझे कोई काम दिया जाए तो उसे मैं संपूर्ण रूप से पूरा करता हूँ। और वीकनेस पॉइंट ये है कि अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा हो तो मैं वो देख नहीं सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अगर किसी पे अत्याचार हो रहे हो। और जो मुझसे लास्ट सवाल पूछा गया था आरबीजी के अंदर कि आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है आरबीजी के अंदर, तो मेरे को एक ही आरबीजी के अंदर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर लगता है, वो है अभिषेक व्यूली।